श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि मुनियों, अब मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। एक बार श्री देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुँचे, बद्रीनाथ धाम में। और वहाँ बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो इनके अग्रज हैं, नारद जी के बड़े भाई, मिल गए। प्रणाम किया, एक दूसरे का अभिवादन हुआ। और फिर नारद जी को देख करके सनकादिकों ने पूछा कि नारद, तुम इतने उदास क्यों हो? इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। ये तुम इतने शून्य चित्त उदास क्यों हो? लग रहा जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो। गतवित्तो, तुम्हारा वित्त चला गया हो, तुम्हारा धन चला गया। तुम्हें इतना उदास नहीं होना चाहिए, इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। तुम मुक्त संग हो, महात्मा हो, विरक्त हो, और तुमको इतनी चिंता। जब चिंता बनी ही रह गई तो विरक्त और संत बनने का फल क्या मिला? भाई संत बने, विरक्त हुए, सब कुछ त्यागा, इसीलिए कि जीवन से चिंता छूट जाए। और चिंता छूटी नहीं तो फिर विरक्त और साधु महात्मा बनने का फल क्या हुआ? इसलिए ये उचित नहीं है। नोचितम, अगर तुम्हारी चिंता का कोई विशेष कारण है तो कारण बताओ। बद कारणम, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, हे मुनिवर, मैंने विचार किया कि ये पृथ्वी सर्वोत्तम है। पृथ्वी पर भगवान ने प्रकट होकर के बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं की, तो मैं चल करके पृथ्वी पर भ्रमण करूं। नारद जी कहते हैं, मैं स्वर्ग से आया और पृथ्वी पर आकर के यहाँ के दिव्य तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इन समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। बोले तीर्थों में जाने पे तो शांति मिलती है, आप तीर्थ में गए आपको शांति नहीं मिली? नारद जी कहते हैं कि कलयुग सब जगह धीरे धीरे पहुंच गया। कलिना धर्म मित्रेण, ये कलयुग कौन है? बोले ये अधर्म का दोस्त है। कलिना धर्म मित्रेण, ये अधर्म का मित्र है कलयुग। अधर्म और कलयुग की बड़ी पक्की मित्रता है, और ये अधर्म का मित्र कलयुग सब जगह पहुंच गया। इसने धरेयम बाधिता धुना, संपूर्ण पृथ्वी को कलयुग ने, अधर्म के मित्र ने बाधित कर रखा। तीर्थ की बड़ी महिमा है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी और आपकी असावधानी के कारण तीर्थों में भी कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि कालखंड ही ऐसा है, कलयुग चल रहा है। इसी कारण से तीर्थ की महिमा भी कम हो गई। तीर्थों में जाकर के अनधिकारी लोग बस गए। यहां पर इस प्रसंग में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि आश्रमों में और तीर्थों में जाकर के अनधिकारी लोग बस गए। उसका परिणाम, बोले तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थ का जो सार था वो चला गया। कारण, बोले तीर्थ में जाकर के जो तपस्या करनी चाहिए, साधन करना चाहिए, वो उद्देश्य छूट गया। हर व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क ढूंढ सकता है, और हर तर्क के
प्रमाण भी मिल सकते हैं। लोग कहते हैं महाराज तीर्थों में सुविधा नहीं रहेगी तो लोग कौन जाएंगे, कोई जाएगा ही नहीं। और सुविधा और संसाधनों की वृद्धि होने का परिणाम क्या हुआ, बोले तीर्थ भी केवल सुख भोग और आराम के स्थान बन गए, तपस्या और त्याग वहां समाप्त हो। ये बहुत कड़वा सच है। इसी कारण से तीर्थ में अनाधिकारी लोग भी पहुंचने लगे। देखो पहले तीर्थों में असुविधाएं थी, रहने के लिए सुंदर जगह नहीं मिलेगी, मच्छर काटेंगे, जमीन में लेटना पड़ेगा, न कहीं होटल मिलेगा, न कहीं बढ़िया भोजन मिलेगा, साधु महात्मा जो टिक्कर और सूखी रोटी बनाएंगे वही आपको खिलाएंगे, और मठ मंदिरों में ही लोग जाकर के तीर्थों में रुकते थे। उसका परिणाम क्या होता था, बोले उसका परिणाम ये होता था कि जो सात्विक होगा, जो त्याग संपन्न होगा, त्याग वृत्ति का होगा, वही व्यक्ति तीर्थ में आएगा, भोगी प्राणी नहीं आएंगे। और जब भोगी प्राणी तीर्थ में नहीं जाएंगे तो तीर्थ की पवित्रता बनी रहेगी। आज तीर्थ की पवित्रता क्यों बिगड़ी, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आज से 5000 वर्ष पहले वेदव्यास जी ने लिख दिया है, तीर्थ का सार तत्व कम हो गया, तीर्थ का सार घट गया। कारण कि तीर्थों में भी सब प्रकार की सुख सुविधाएं और भोग के संसाधन सृजित किए गए, और परिणाम बोले तीर्थों में त्याग तपस्या तिरोहित हो गई, तीर्थ की महिमा थोड़ी घट गई। लेकिन आज भी जो तीर्थ में जाकर के त्याग और तप पूर्वक दुख सहन करते हुए तीर्थ में जाकर के तपस्या और ध्यान करते हैं, उनको आज भी तीर्थ का फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं मैंने तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन वहां भी सब कुछ बदल गया, और अब तो आने वाले समय में तीर्थों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना जो सरकार की है इसका भी मैं विरोध करता हूं। तीर्थों को स्मार्ट सिटी मत बनाओ, इसको लंदन और अमेरिका मत बनाओ, इसको दिल्ली और मुंबई बना दोगे तो फिर तीर्थ की महिमा ही क्या रहेगी। तीर्थ को तो तीर्थ जैसा ही रहने दो, यहां पे लोग आवे और उनको भगवान श्री कृष्ण के काल की वो अनुभूति हो, वैसा वातावरण सृजित हो, बड़े बड़े मॉल बन जाएं, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बन जाएं, बड़े बड़े होटल्स बन जाएं और सारी सुख सुविधाएं एकत्रित हो जाएं, तो फिर तीर्थ में और मुंबई में अंतर क्या रहेगा, वृंदावन में और मुंबई में क्या अंतर रहेगा, अयोध्या काशी और बंबई में अंतर क्या रह जाए। इसलिए तीर्थों के विकास के पीछे ये चिंतन करना चाहिए कि तीर्थों का विकास उतनी ही सीमा तक हो कि तीर्थ के स्वरूप का विनाश न होने पाओ। तीर्थ के स्वरूप का अगर विनाश हो जाएगा तो तीर्थ का उस विकास से हमें क्या मिलेगा। आज विकास के नाम पर तीर्थों के स्वरूप का नाश जो हो रहा है इस पे हमें विचार करना चाहिए, और तीर्थों की पवित्रता, पौराणिकता, उसकी प्राचीनता और उसकी दिव्यता बरकरार रहनी चाहिए। नारद जी कहते हैं मैंने सब जगह भ्रमण किया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मंदा सुमंद मतयो हो, कलयुग में मैं जहां भी गया लोग मंद मती मिले और मंद भाग्य वाले मिले। नारद जी ने किसी को नहीं छोड़ा, महाराज सबको कह दिया पाखंड निरता संतो, संत भी जो मिले पाखंड निरता, साधुता और सज्जनता कम दिखाई पड़ी, पाखंड ज्यादा दिखा। विरक्ता सपरिग्रहा, तीर्थों में मैंने जाकर के देखा, कहने को तो बहुत बड़े विरक्त और त्यागी बैरागी कहलाते लेकिन जितना परिग्रह जितना संग्रह उनके पास उतना गृहस्थ के पास नहीं। इन्हीं बातों पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यंग किया है। साहित्य में तो व्यंग भी एक शिक्षा का माध्यम होता है, व्यंग के माध्यम से समाज को उपदेश दिया जाता है।
और व्यंग किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। यही कलयुग का सूत्र, तपसी धनवंत, जो तपस्वी है वो तो धनवान है, खूब धन बटोर रहा, और जिसको धन की आवश्यकता है, कौन? बोले गृही, गृहस्थ को धन की जरूरत है। क्यों? बोले गृहस्थ के सामने कार्य है, उसको बेटी का ब्याह करना, बेटे का ब्याह करना है, परिवार का पोषण करना है, समाज की जिम्मेदारी। धन की जरूरत तो यथार्थ में गृहस्थ को ही, जिसको जरूरत है उसके पास नहीं, और जिसके पास जरूरत नहीं उसके पास भरा पड़ा। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, ये व्यंग किया गोस्वामी जी। वास्तव में ये सब बातें समझने की हैं, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में कमियां हैं और इन कमियों को दूर करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि मैं जहां भी गया विरक्तो सपरिग्रहा, विरक्त भी परिग्रहशाली थे और गृहस्थों के घर में मैं गया तो देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में पुरुष की प्रभुता नहीं चलती, तरुणी की प्रभुता चलती। पुरुष तो केवल कमावे और कमा करके ला करके रखे, बाकी सारी व्यवस्था तरुणी के हाथ में, वो जो निर्णय करे वही मान्य होगा, तरुणी प्रभुता गे है। ये सब जो शास्त्र विरुद्ध व्यवहार कलयुग में सर्वत्र दिखाई पड़े। नारद जी कहते हैं न योगी नैव सिद्धो वा, इस कलयुग में कोई सिद्ध नहीं मिला, कोई योगी नहीं मिला। आज जिसको लोग सिद्ध मानते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करके तंत्र मंत्र करके दो चार चमत्कार प्रकट कर दे, उसी को लोग सिद्ध मान लेते, बड़े सिद्ध हैं। लेकिन सिद्ध का मतलब क्या है? बोले भगवत प्राप्त पुरुष, जो भगवान को प्राप्त कर चुका उसको सिद्ध कहते। जिसको भगवत अनुभूति हो गई वो सिद्ध है। इसीलिए पूरी भागवत कथा सुनने के अंत में जब भागवत पूरी हो गई तो राजा परीक्षित सिद्ध हो गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन आज 7 दिन हो गए, अब कथा पूर्ण हो गई, अब मैं जा रहा हूं, तुम कैसा अनुभव कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुमने अनुभव किया 7 दिनों में? तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया। ये सिद्ध है राजा परीक्षित, इस कथा को सुनकर के सिद्ध हो गए। स्वयं कहते हैं सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, मैं सिद्ध हो गया, ये आपका अनुग्रह, आपकी कृपा थी, मैं आपके अनुग्रह का पात्र बना। तो ये कौन सी सिद्धि मिल गई महाराज परीक्षित को? बड़े भारी सिद्ध हो गए महाराज परीक्षित, तो तक्षक नाग आया उसको भस्म कर देते हैं, यार आ काटने के लिए भस्म करो, तुम्हारे अंदर सिद्धि आ गई। बोले किसी को भस्म कर देना, कोई नया चमत्कार कर देना, कोई वस्तु प्रकट कर देना, ये सब सिद्धि का परिणाम नहीं है, ये तो चमत्कार है। तंत्र मंत्र के प्रभाव से ऐसे चमत्कार हो सकते हैं और उस चमत्कार के परिणाम स्वरूप दुनिया आपका आपको नमस्कार कर सकती है। क्यों? बोले चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन ये सिद्धि नहीं। सिद्धि क्या है? कहते हैं सिद्ध होने का मतलब हम अपने आत्म स्वरूप को जान लें और परमात्म स्वरूप को जान लें। आत्म परमात्म स्वरूप का याथात्म्य बोध, ये सिद्धि। आत्म परमात्म याथात्म्य बोध जिसको कहा जाता है, आत्मा के स्वरूप का और परमात्मा के स्वरूप का याथात्म्य बोध, यथावत उसका बोध, वो यथावत जैसे है उसका तदवत ज्ञान, ये सिद्धि। और ऐसी सिद्धि हो जाने पर फिर वह समस्त दुख से स्वतः मुक्त हो जाता है। आत्मबोध होने पर सारे दुख की स्वतः निवृत्ति हो जाती है। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं ऐसे सिद्ध हमको नहीं मिले,
कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े सिद्ध मिले। नारद जी कहते मैं घूमते घूमते वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में जमुना के तट पर एक स्त्री युवती रो रही थी, उसके अगल बगल दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे और अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं। मैंने सोचा कोई होगी, ये तो संसार है, यहां रोना धोना चलता ही रहता, मुझसे क्या लेना देना, मैं तो अपनी मस्ती में जा रहा था। तब तक उस स्त्री ने हमें देखा और उस स्त्री ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय, मेरी भी चिंता का नाश करो, मैं बड़ी दुखी हूं। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हो, कासित्वम तुम कौन हो, का विमौ, ये दोनों अगल बगल पड़े हुए जो बूढ़े पुरुष हैं आपके बगल में पड़े हैं, ये कौन हैं, और आपकी सेवा करने वाली ये स्त्रियां जो चंवर डुला रही हैं पंखा डुला रही हैं, ये कौन हैं? सूत जी कहते हैं कि नारद जी के पूछने पर उस स्त्री ने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, हे देवर्षि मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति रीति ख्याता, बोले कोई ऐसी साधारण स्त्री थी जिसका नाम भक्ति था, ऐसा भी तो हो सकता था, जैसे आज किसी स्त्री का नाम पूजा, किसी स्त्री का नाम राधा, किसी स्त्री का नाम अर्चना, तो क्या वो अर्चना पूजा और राधा है, ये तो उसका नाम है। तो कहीं नारद जी को ये न लगे कि जैसे संसार में किसी स्त्री का कोई नाम होता वैसे इसका नाम भक्ति होगा, कोई होगी। तो भक्ति महारानी कहती नहीं नहीं अहम भक्ति रीति ख्याता, जो प्रसिद्ध भक्ति है, जिस भक्ति को बड़े बड़े ज्ञानी ढूंढते हैं, जो ख्याति प्राप्त भक्ति है, वही मैं हूं। हाँ मैं कोई साधारण नहीं हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं जो अगल बगल पड़े हैं, इनका नाम क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नामानौ, एक का नाम ज्ञान है एक का नाम वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं लेकिन ये बूढ़े हो गए, काल योगे न जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान एक का नाम वैराग्य, और भक्ति को ये दो पुत्र कब मिलते हैं? कहते हैं देखो भक्ति कौन है, बोले स्त्री है। स्त्री को पुत्र की प्राप्ति तब होती है जब उसका पाणि ग्रहण हो जाए, विवाह हो जाए, तो भक्ति रूपी स्त्री का पहले विवाह हो। भक्ति क्या है? बोले श्रद्धा और प्रेम, इसी का नाम भक्ति है। लेकिन अपनी उस श्रद्धा भक्ति का ठाकुर जी के साथ विवाह कर दो, ये हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति जो है इसका संबंध हो जाए किससे? बोले भगवान से, पुरुषोत्तम से। यह भक्ति जब भगवान के प्रति हो जाती है तो जनयत्याशु वैराग्यम, तुरंत ये सुंदर पुत्र को जन्म देती है। भक्ति का पाणि ग्रहण भगवान से हो जाए तो भक्ति के दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। भक्ति कहती है मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य नामानु, काल योगे न जर्जरो, ये कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए, और ये सेवा करने वाली जो मेरी सहचरियां हैं ये भारत की पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा तापी गोदावरी इत्यादि। नारद जी ने पूछा देवी आप कहां से आई हो, आपका प्रादुर्भाव कहां पर हुआ? तो भक्ति महारानी कहती मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में द्रविण देश में मेरा प्रादुर्भाव हुआ और मैं वहां से चल करके यहां तक आई।
भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविण देश में हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि द्रविण देश में जहां पर कृतमाला और पयस्वनी, कावेरी और गोदावरी जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों के तट पर रहने वाले लोग जो उन नदियों के जल का सेवन करते हैं, उनके हृदय में भगवान की सहज भक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस जल का प्रभाव, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। और विशेष करके कलयुग में कृतमाला, पयस्वनी और कावेरी जैसी नदियों के तट पर रहने वाले लोगों के अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए भक्ति मार्ग के जितने आचार्य हुए सब द्रविण देश में हुए। भक्ति मार्ग के मूल आचार्य भगवान रामानुजाचार्य द्रविण देश में हुए। श्री मध्वाचार्य वो भी द्रविण देश में हुए। श्री निम्बार्काचार्य ये भी द्रविण देश के हैं। और श्री वल्लभाचार्य ये भी तैलंग्य ब्राह्मण द्रविण देश के। सभी द्रविण आचार्यों में ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उन आचार्यों के माध्यम से ही संपूर्ण पृथ्वी पर भक्ति का विस्तार होता है। द्रविण देश में भक्ति उत्पन्न हुई। भक्ति महारानी कहती, द्रविण में मेरा प्रादुर्भाव हुआ और वहां से चल करके मैं धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आई। गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, फिर वहां से किसी प्रकार मैं यहां पहुंची वृंदावन, तो वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई। वृंदावनम, इस वृंदावन में आकर के नवीन एव स्वरूपिणी, मैं तो नवीन हो गई, मेरा स्वरूप दिव्य हो गया। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य आज भी बूढ़े हैं और इसी कारण से मैं दुखी हूं। इनको आप स्वस्थ कर दो, इनको ठीक कर दो। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने व स्वरूपिणी, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां पर भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन में भक्ति आकर के जवान हो गई, पैदा हुई द्रविण देश में, वहां से चली तो कर्नाटक में बड़ी हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में भक्ति बड़ी हो गई, युवती हो गई। महाराष्ट्र में भक्ति का कहीं कहीं प्रचार हुआ, लेकिन गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। क्यों? बोले गुजरात में पाखंड की अधिकता थी। जहां पर पाखंड होता है वहां भक्ति जीर्ण हो जाती है। वो तो कृपा श्री नरसी भगत की, जिन्होंने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। श्री भक्तमालकार श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज कहते हैं, जगत विदित नरसी भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। श्री भक्तमालकार कहते हैं कि गुजरात की भूमि को अगर पावन किसी ने बनाया तो किसने बनाया? नरसी भगत ने। पहले बोले पहले की स्थिति बड़ी खराब थी महाराज, इतना पाखंड था वहां पर। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, जगत विदित नरसी भगत जे गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जे गुज्जर धर पावन करी। महासमारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, महासमारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ओम सर ते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन, ओम सर ते सर कियो खंड दो सही खोज। बहुत ठोर परिचय दियो,
बहुत ठोर परिचे दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी, बहुत ठोर परिचे दियो रस रीत भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत जय गोचर धर पावन करी, जगत विदित नरसी भगत जय गोचर धर पावन करी, जय गोचर धर पावन करी, जय गोचर धर पावन करी। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कि नरसी भगत ने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। उसके पहले तो पाखंड की प्रचुरता थी, इसीलिए भक्ति महारानी कहती हैं गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावन तो धन्य है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, धन्य है वृंदावन जहां पर आकर के भक्ति फिर जवान हो गई और नाचने लगी। लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े के बूढ़े ही थे जमुना के तट पर। इस कारण से भक्ति महारानी रो रही थी। भाव क्या है? बोले वृंदावन धाम श्री धाम में आकर, अयोध्या वृंदावन जैसे पवित्र धाम में जाकर हमारी भक्ति तो जवान हो जाती है। जो भक्ति जीर्ण शीर्ण थी, जो भक्ति कुछ करने में समर्थ नहीं थी, लेकिन ऐसे पवित्र वातावरण में आकर के उसे प्रेरणा मिलती है, उसे ऊर्जा शक्ति मिलती है, भक्ति तो जवान हो जाती है। लेकिन भक्ति स्वस्थ हो जाए इतने मात्र से ही बात नहीं बनेगी, उसके साथ साथ भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को भी ठीक करना पड़ेगा। हमारा ज्ञान वैराग्य भी ठीक हो जाए, और जब तक ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं होगा तब तक किसी पवित्र धाम में जाकर के आप रहो, आपको भक्ति मिल गई, भक्ति का आनंद तो मिल रहा है लेकिन पूरा आनंद नहीं मिलेगा।